वेलकम बैक टू गार्डन गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो आने में कुछ दिन लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज हम आपको बताएंगे जो पॉट है फ्लावर के, उसको किस तरीके से मिट्टी को लूज करके मैन्यूअर कंपोस्ट कुछ भी आप ऐड करते हो तो किस तरीके से ऐड किया जाता है, हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये सावंती का प्लांट है, जो नीचे के जो सूखे हुए पत्ते हैं सारे पत्ते बीन डालिए और एक बार मिट्टी चेक कर लीजिए। टाइट मिट्टी है तो लूज कीजिए, अगर मिट्टी टाइट नहीं है, ढीला है, तो कंपोस्ट आप डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों, यह आपका हिबिस्कस प्लांट है, हम अभी इसको रिपोर्टिंग करेंगे। देख लीजिए कितना अच्छे से फ्लावर आ रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए कली कितने सारे भरे हैं, इसका मिट्टी थोड़ा टाइट है, मिट्टी चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद आप चाकू से भी कर सकते हो। इस तरीके से मिट्टी को लूज कीजिए, जो सॉइल टाइट होता है ना, उसको लूज करना पड़ता है। इस तरीके से लूज करके इस पर आप कोई भी खाद अगर आप डालना चाहते हो तो इस तरीके से डाल सकते हैं। हम तो गाय का गोबर यूज़ करते हैं, काऊ पीट। देख लीजिए इस तरीके से डालिए। इस तरीके से डालने से क्या होता है, आप पानी डालेंगे तो नीचे चला जाएगा, आप जो भी मैन्यूअर डालेंगे वो नीचे चला जाएगा। अगर आप मिट्टी लूज नहीं करेंगे, ऐसे ही डाल देंगे, तो जो मैन्यूअर आप डालेंगे वो पानी डालने के बाद बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं घुसेगा, उसके जो जड़े हैं जड़े तक नहीं पहुंच पाएगा। सारे जो पत्ते वत्ते हैं उसको बीन डालिए अच्छे से, फिर चेक कीजिए, अगर टाइट हो तो इस तरीके से लूज करके आपको कंपोस्ट ऐड करना होता है। कोई भी आप मैन्यूअर ऐड कर रहे हैं उससे पहले मिट्टी को लूज करना ज़रूरी होता है, फिर ऐड करके अच्छे से आप लगाएंगे तब प्लांट अच्छा चलेगा। अगर आप बिना मिट्टी लूज किए प्लांट को कंपोस्ट वगैरह देंगे तो अच्छे से नहीं चलेगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा स्नेक प्लांट है, अभी हमने लगाया हुआ, आपका 2 महीना हो गया, अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, इसीलिए हम अभी इसको थोड़ा मिट्टी लूज करेंगे। लूज करने के बाद इसमें मैन्यूअर ऐड करेंगे, फिर देखिएगा दोस्तों किस तरीके से इस प्लांट का ग्रो होता है। चारों तरफ से अच्छे से लूज करने के बाद देख लीजिए, इस तरीके से लूज करना ज़रूरी होता है, आप ज़्यादा नीचे ना कीजिए उसको, अगर ज़्यादा नीचे करेंगे तो उसके जो जड़ें हैं वो सब कट जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा ब्रांच निकल रहा है साइड से, ये देखिए साइड से निकल रहा है दूसरा ब्रांच, वो भी अच्छे से ग्रो होगा मैन्यूअर देने के बाद। देख लीजिए दोस्तों, मैन्यूअर कुछ इस तरीके से देना है, एक लिमिट होता है उसका, कम से कम आपको 200 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक देना होता है प्लांट के हिसाब से। अभी हम रोज़ प्लांट को भी कुछ उसी तरह से मिट्टी को ढीला करेंगे, सॉइल लूज करने के बाद इसमें भी कंपोस्ट ऐड करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, अभी इसमें फ्लावर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, 2 ही फ्लावर हैं। मिट्टी देख लीजिए ज़्यादा टाइट है, आराम से लूज कीजिए, ज़्यादा नीचे तक नहीं करना है, ऊपर तक ही बस करना है, जो भी आप मैन्यूअर डालेंगे वो प्लांट को मिल सके, प्लांट के जड़े जिसको एब्जॉर्ब कर सके, उस हिसाब से आपको लूज करना होता है। देख लीजिए कुछ इस तरीके से डालिए, इसके बाद आप देख लीजिएगा 15 से 20 दिन के बाद यह प्लांट का ग्रो जो है कैसे बढ़ता है, और इसमें फ्लावर देखिए कैसे भर भर के आते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।